मथुरा में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में मंगलवार को डी गेट पर तख्ती और काले झंडे लेकर प्रदर्शन करने वाले 36 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया है। वहीं शाम को इन लोगों को मुचलकों पर रिहा कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान डी गेट पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई, जिसे पुलिस ने समझाते हुए हटा दिया। यहां डीएम एसएसपी ने भ्रमण कर व्यवस्था पर की। वहीं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में पैदल गश्त की जा रही है, तो मौके पर काफी पुलिस बल तैनात है। मंगलवार को सुबह से ही पुलिस प्रशासन की टीमें शांति व्यवस्था को लेकर मिश्रित आबादी व संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रहे थे। नागरिक संशोधन बिल के विरोध में हाथों में नागरिकता संशोधन बिल लिखी तख्ती लेकर कुछ लोग डी गेट पर पहुंच गए। वहां मौजूद पुलिस बल ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सभी 36 महिला पुरुषों को हिरासत में लेकर पुलिस वैन से सभी को पुलिस लाइन भिजवाया। इस दौरान डी गेट पुलिस चौकी पर मौजूद उत्तर प्रदेश सर्वदलीय मुस्लिम एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम सिटी मैजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह व एसपी सिटी अशोक कुमार मीना को ज्ञापन सौंपा गया। कम्युनिस्ट पार्टी व समता फाउंडेशन के लोगों ने भी नागरिक संशोधन बिल को संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए विरोध किया। तो कुछ युवकों ने डी गेट पर अंबेडकर मूर्ति पर पहुंचकर प्रदर्शन कर इसको काला कानून बताने लगी। इसकी सूचना मिलते ही डीएम सर्वज्ञ राम मिश्र, एसएसपी शलभ माथुर भी डी गेट पर पहुंच गए। डी गेट पर भीड़ जुटने पर पुलिस ने भीड़ को समझाते हुए हटने को कहा। इस दौरान सीओ सिटी ने माइक द्वारा लोगों को समझाते हुए घरों को जाने को कहा। कुछ देर अनाउंसमेंट होने पर और पुलिस द्वारा हटाने पर भीड़ चौराहे से हट गई। शहर में लेकर देहात तक में मिश्रित आबादी व संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस टीम में येलो टीम के तहत तैनात किए गए मैजिस्ट्रेटों के साथ लगातार भ्रमण कर सतर्कता बरती रही। डी गेट से लेकर दरेसी रोड, भरतपुर गेट, घिया मंडी चौक बाजार से मिलन टाकीज होते हुए पुलिस व पीएसी पैदल गश्त करती रही। एसपी सिटी अशोक कुमार मीना, एसडीएम सदर क्रांति शेखर सिंह, सीओ सिटी राकेश, सीओ यातायात विनय चौहान पुलिस टीम के साथ माइक से लोगों को शांति बनाए रखने व अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील करते हुए निकले। वहीं डीएम और एसएसपी ने किसी भी प्रकार के शांति का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। ये अभी कुल 36 लोगों को डिटेन किया गया है और ये शांतिपूर्वक इनका जो था प्रोग्राम रहा था और एक एक दो दो की संख्या में अलग अलग लोग आए थे और इनके द्वारा कुछ ज्ञापन दिया गया जो कि एसपी सिटी साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा यहाँ पे लिया गया था और आवश्यकता अनुसार निरोधात्मक या विधिक कार्रवाई जो भी आवश्यकता होगी तो की जाएगी और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय बात कहीं पर भी किसी की भी सूचना कहीं पर भी नहीं है। जैसा कि आपको विदित है 13 तारीख से ही हमारे यहाँ पे जोनल सेक्टर स्कीम लगी हुई है और लगातार सभी अधिकारी राउंड पे हैं और LIU से भी इनपुट लिया जा रहा है और यहाँ डी गेट चौकी जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है शहर का, यहाँ पर भी फोर्स एक्स्ट्रा तैनात की गई है और पुनः आप लोगों से यही अपील करूँगा, जनता से भी ये अपील करूँगा कि किसी प्रकार की अफवाहों के ऊपर ध्यान न दें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।